स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम देखने जा रहे हैं, आप कभी अपने पीसी पे कुछ वर्क करते हैं तो हमें कुछ किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट खींचना पड़ता है। तो लैपटॉप मोबाइल में तो आप सिंपली पावर बटन और वॉल्यूम बटन दबा के स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं, फिर थ्री फिंगर स्वाइप। पर ऐसा लैपटॉप में फीचर नहीं होता ना ही उसमें पावर बटन होता है ना ही वॉल्यूम बटन होता है। तो उसमें कुछ फीचर्स होते हैं तो हम देखते हैं स्क्रीनशॉट। मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा स्क्रीनशॉट खींचने के। तो सबसे पहला तरीका है, आप अपने कीबोर्ड पे देखिए विंडोज़ का साइन होगा, विंडोज़ का, उस विंडोज़ को दबा के और आपके लैपटॉप के ऊपर की साइड कीबोर्ड में डिलीट की बगल में प्रिंट स्क्रीन इस नाम का वो होगा वर्ड, तो आप उन दोनों को एक साथ प्रेस कीजिए, विंडो दबा के प्रिंट स्क्रीन को ये दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन पे ऐसा कुछ ब्लिंकिंग होगी। अब देखते हैं ये कहाँ पे मिलता है। तो आपको सिंपली अपने दिस पीसी ओपन करना है, उसमें जाने के बाद आपको अपना पिक्चर्स ओपन करनी है। यस सर, थैंक यू। और उस पिक्चर्स पे जाने के बाद आपका यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट आ जाएंगे। ये देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट अभी जो मैंने खींचा था। तो अब हम चलते हैं दूसरे तरीके। दूसरा तरीका है, सिंपली आपको अपना सिंपल प्रिंट स्क्रीन ही बटन दबाना है। प्रिंट स्क्रीन बटन दबाने के बाद आपको अपना पेंट ओपन कर लेना है अपने पीसी का, सिंपली सर्च करके PAINT पेंट, पेंट सेलेक्ट करके आप इस तरह पेस्ट पे क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका ये आ चुका है, और फिर इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं जहाँ पे आप चाहें सेव। तो और अब हम चलते हैं अपने तीसरे तरीके पे। तीसरा तरीका है, हमारे हर लैपटॉप में एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है, स्निपिंग टूल, जिसका नाम होता है SNI। हम टाइप कर लेते हैं, ये आ चुका है देखिए स्निपिंग टूल का। इस पे न्यू पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर शेप, यहाँ पे कोई सी भी शेप कर सकते हैं। तो आप चाहे तो फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, और ये देखिए अपने आप ही इस पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट खींच चुका है। आप चाहे तो ऐसे ये मार्कर पेन होता है कुछ आप करना चाहे तो, और ये इरेजर होता है जो आपको इस पेन को मिटा देगा। तो देख सकते हैं हमारा स्क्रीनशॉट, आप चाहे तो जिस जिस चाहे उस चीज़ को भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। मैं दिखाता हूँ जैसे SN, आप वापस से सर्च कीजिए स्निपिंग टूल को, और इस न्यू पे क्लिक करके रेक्टेंगुलर शेप पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक कर लीजिए। और आपको जहाँ जहाँ का स्क्रीनशॉट कहता है, मान लीजिए मैं इस कार का स्क्रीनशॉट कहना चाहता हूँ ओनली, तो मैं इस कार का पूरा रेक्टेंगुलर शेप में ले लूँगा। और ये देखिए मेरी कार आ चुकी है, और भी बहुत से है इसमें आप देख सकते हैं। वापस से मैं टाइप करता हूँ स्नैपिंग टूल, ये कुछ और ओपन हो चुका है, ये ओपन हो चुका है। इसमें आप अपनी शेप सिलेक्ट कर सकते हैं कि फ्री फॉर्म में आप जहाँ जहाँ सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये के चीज़ है जहाँ जहाँ आप लेकर जाएंगे। मान लीजिए अब मैंने इसको जोड़ दिया तो ये देखिए इतना इतना हमारे स्क्रीनशॉट खींच के आ चुका है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ तीन तरीके वीडियो स्क्रीनशॉट खींचने के पीसी में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी नई वाली वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन उसमें आ जाए, बॉक्स में आ जाए। और अगर आप हमें कोई भी सजेशन देना चाहते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो थैंक अब वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपनी अगली नई वीडियो पे।